नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले से लेकर इस साल 31 मार्च तक दोनों राज्यों में गंगा नदी में तैरते दिखे मानव शवों और नदी किनारे दफनाए शवों की संख्या के बारे में जानकारी दी जाए। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रधान सचिव स्वास्थ्य को इस विषय पर तथ्यात्मक सत्यापन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में साल 2018 और 19 में कोविड-19 के शुरुआत से पहले और 2020-2021 में कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद और इस साल 31 मार्च तक गंगा नदी में कितने मानव शव तैरते देखे गए और कितने नदी किनारे दफनाए गए, पूरा ब्यौरा दिया जाए। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभाषु जुड़ चुके हैं। विभाषु, एनजीटी ने यूपी में जितने भी मानव शव तैरते हुए नदियों में देखे गए हैं उसके बारे में जानकारी मांगी है, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण की तरफ से उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को जो कोविड काल में आपने देखा कि 2018-19 में जो नदियों के गंगा नदियों पे शव बहने की प्रक्रिया थी कि जिसमें जो शव थे, जो कोविड पेशेंट के शव थे, वो कहीं ना कहीं से जो या परिवार या ऐसे कहीं नदियों में आ गए थे और उन्हें जल में दफनाया गया था। इन सभी शवों का एक रिपोर्ट मांगा गया है उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से, जिसमें साफ तौर पर शिखा ये है कि कितनी नदियों में जो संख्या है शव की बहने की, उसकी क्या रिकॉर्ड है, इसको लेकर एनजीटी की तरफ से खाका मांगा गया है। इसमें खास तौर से देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में आपने देखा जब कोरोना की महामारी चल रही थी उस वक्त जो नदियां थी वो उसमें सौ के बहने का सिलसिला जारी रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार की तरफ से जो नदियों के अंदर से सौ को निकाल के और तट पर दाह संस्कार किया गया था या उसे दफनाया गया था। कहीं ना कहीं जो दाह संस्कार किया गया था उनके आंकड़े क्या है जिसको लेकर रिपोर्ट मांगा गया। वही आपको बताएं कि जस्टिस अरुण त्यागी और विशेष सदस्य डॉक्टर फिरोज अहमद की पीठ ने उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को जो जितनी संख्या है पूरी संख्या को पूरी तरह से अगर देखे तो कितने सौ का अगर अंतिम संस्कार किया गया, दफनाया गया, उनका क्या संख्या है, पारदर्शिता दिखाते हुए उसकी संख्या बताने का आग्रह किया है। वही आपको बताएं कि 2018-19 और 2020 में जब कोरोना की चल रही थी तो कहीं ना कहीं सौ दफनाने को लेकर या जलाने को लेकर जो अंतिम संस्कार होता है उसमें काफी समस्याएं थी, कहीं लकड़ियों का किल्लत आई थी। तो उसमें आपने देखा कि नदियों के बीच से, नदियों के ऊपर से लाशें तैरती हुई नजर आई थी। इसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं आलोचन हुआ था, जिसके बाद आपको बताया कि अगर देखें तो गंगा में सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिली, तो गंगा के तटों पर जो सौ का अंतिम संस्कार किया गया इसको लेकर अब जल्द से जल्द रिपोर्ट देना होगा। वही आपको बताया कि हाल ही दिनों में आपने देखा कि WHO के द्वारा जो है मृतकों की संख्या थी, जो कोविड काल में जो मृतक थे उनकी संख्या जो स्वास्थ्य विभाग है भारत सरकार का है उसमें जो संख्या थी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही थी। तो इन सब चीजों को लेकर एक नया अभियान आ गया है कि अगर देखें तो राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण की तरफ से जो मृतकों की संख्या है साथ ही साथ पानी में तैरते हुए लाश का जो अंतिम संस्कार किया गया है तो ये बहुत ही पेचीदा होगा, क्योंकि सरकार उस समय बहुत ही आनंद फानंद में जो है मृतक थे उनके अंतिम संस्कार में लगी हुई थी। साथ ही साथ अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इन्हें ये काम करना, उन्होंने किस तरह से काम किया और रिपोर्ट किस तरह से सौंपते हैं। जैसे जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सीधे तौर पे एनजीटी ने रिपोर्ट मांगी है और इसके दो मुख्य उद्देश्य नजर आ रहे हैं। एक तो जितने भी लोगों की कोरोना काल में मौत हुई या फिर नदियों में तैरते शव दिखाई दिया उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और साथ ही साथ जो जल है उसकी सफाई को लेकर भी जानकारी मांगी जाएगी। रुक करते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने मई के महीने में पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां क्षेत्र के लोग गंभीर
पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। जहां ललितपुर के शहर बड़ापुर में 45 दिन से नलों में पानी नहीं है और जिले की 25 योजनाएं भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रही हैं। साथ ही जिले की योजनाएं पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। बता दें कि पानी संकट पर प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पानी का संकट भी देखने को मिल रहा है। कई योजनाएं चलाई गई हैं जिसके बावजूद भी ये पानी का संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा सरकार लोगों के घरों तक नल से पानी भिजवाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर बात करी जाए इस भीषण गर्मी में ललितपुर के शहर बड़ापुर का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पे 45 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। पानी बचाना एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की, और आपको बता दें कि हर बार गर्मी में कई ऐसे राज्य है जो पानी के संकट से जूझते हैं और जिले की 25 योजनाएं भी लोगों की प्यास नहीं बुझाई जा रही है। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के इस जिले की योजनाएं पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि पानी का संकट कब हल होगा। प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है और इस उदासीन रवैया पर जिम्मेदार क्या कहते हैं ये तो अब वक्त ही बता सकता है कि कब इन समस्याओं का निवारण होगा। आपको बता दें कि एक तरफ भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, बिजली कटौती से भी लोग जूझ रहे हैं, जहां मानक से ज्यादा ही कटौती होती नजर आ रही है, कभी फॉल्ट की वजह से बिजली जाती है, तो वहीं लोग घरों में भी सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं। और अगर बात करी जाए पानी संकट की तो वो भी देखने को मिल रहा है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, ललितपुर के बड़ापुर शहर में 45 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? हर बार कई राज्य पानी के संकट से जूझते हैं, लेकिन अब ये ललितपुर का जो ये मामला सामने आया, किस तरह से देखते हैं? मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है लगातार हम देख रहे हैं, उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांदा में परसों 49 डिग्री टेम्परेचर था, और हम किसी भी जिले की बात करें तो वहां पर जो तापमान है वो लगभग 44 से लगभग 49 डिग्री सेल्सियस तक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शासन को व्यवस्था देखनी चाहिए, और जिस तरह से ललितपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है, और चूंकि वहां से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत कोरी भी आते हैं, मनोहर लाल पंत जो की जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है, तो निश्चित रूप से वहां पर अगर पानी किस तरह से दिक्कत हो रही है तो वहां पर सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र पहले से ही सूखे की कई बार चपेट में आ चुका है, और सूखे की चपेट के चलते वहां पर हमने देखा जाता है फसलें भी चौपट है, और साथ ही साथ वहां पर जो लोगों का पलायन है वो भी वो शहर जाके काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर दिक्कतें हैं। और जब बता रहे हैं 45 दिन की नलों में पानी नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि किस तरह से पानी की व्यवस्था वहां पर हो पाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भूजल का जो स्तर है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। और अभी हाल में जो जल शक्ति मंत्री बने हैं जो स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा था कि हम सभी जिलों में पानी पहुंचाएंगे और हर नल तक पानी पहुंचेगा, किसी कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ सरकार का 100 दिन का कार्यकाल हो चुका है, 100 दिन के कार्यकाल में तमाम योजनाएं की बात की गई, पेयजल की योजना की बात की है, पर ललितपुर अगर पानी की संकट से इसमें त्रस्त है तो निश्चित रूप से वहां पर कोई ना कोई जो दिक्कत है वो चल रही है, शासन को सब ध्यान देना होगा। साथ ही साथ जो पेयजल योजनाएं हैं जो वहां पर चलाई जा रही हैं, उनका अब तक क्या स्थान है, क्या क्रियान्वयन हो रहा है, इस पर भी एक दिशा निर्देश जारी करना होगा। जी गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जल संरक्षण की बात हमेशा कहते आए हैं, तो पहले के मुकाबले अब लोग कितना जागरूक दिखाई दे रहे हैं? देखिए जल संरक्षण की बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, जल संरक्षण होना बहुत आवश्यक है। लगातार हम देख रहे हैं भूजल का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, और जब भूजल का स्तर गिरता है तो भूजल के स्तर को उठाने के लिए जल संरक्षण होना बहुत जरूरी है, कि जब तक जल संरक्षण नहीं होता तब तक भूजल का स्तर नहीं बढ़ेगा। कि पानी जब संरक्षित होगा तभी पानी की जो नमी है और पानी है वो धीरे धीरे भूजल में पहुंचेगा, यानी भूमि में पहुंचेगा, जमीन के नीचे पहुंचेगा, तो स्तर बढ़ सकेगा। और इसके लिए सरकार योजना भी चला रही है। मैं आपको बता दूं जल संरक्षण के लिए अभी जो हाल की योजना चलाई गई है अमृत सरोवर योजना बोलते हैं, अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाए जाने हैं,
और जिसका पहला तालाब जो अमृत सरोवर की योजना के तहत अमृत शताब्दी महोत्सव चल रहा है उसके तहत अमृत सरोवर बनाने की बात कही गई थी। वो पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश बनाया जा चुका है और वो जगह है रामपुर। रामपुर में पहला अमृत सरोवर बनाया जा चुका है, जनता को सौंपा जा चुका है। तो इसी के तहत तमाम जिलों में अमृत सरोवर बनाए जाने हैं और कहा जा रहा है अमृत सरोवर के माध्यम से जल संरक्षण का काम किया जाएगा, क्योंकि अगर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनते तो निश्चित रूप से वहां पर जल संरक्षण की जो इकाई है वो बेहतर हो सकेगी, वो भूजल का स्तर ही बढ़ेगा। पर यहाँ पर जो पेयजल की व्यवस्था है, नलकूप की व्यवस्था है, लाइन की व्यवस्था है, पानी नहीं आ रहा है, पानी की टंकी पानी नहीं है और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर सरकार को करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर हम बात करते हैं अगर पेयजल की, तो पेयजल के लिए बेहतर क्रियान्वयन करना पड़ेगा, एजेंडे को बनाना पड़ेगा और खासतौर से बुंदेलखंड जो हमेशा से सूखे की चपेट में आया होता है, कई बार वहां पर सूखा पड़ चुका है, निश्चित रूप से वहां पर आपको पेयजल की और सिंचाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा अगर जो क्षेत्रों के मुताबिक। गौरव, हर घर जल योजना की शुरुआत भी करी हुई है सरकार ने, लेकिन कई ऐसे घर हैं जो अभी इस योजना से जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करी जाए इस अहम जिले की जहाँ पे अभी तक पानी का संकट देखने को मिल रहा है, 25 योजनाएं भी असफल साबित हो रही है, तो ऐसे में ये जो योजनाएं हैं कैसे कारगर साबित होंगी? देखिए जगह मैं आपको बता दूं कि योजनाएं बनाना ही जरूरी नहीं होता, उनका क्रियान्वयन और समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। कौन सी योजना कहाँ पर चलाई जा रही है, उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होती है। और इस बार जो कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ का, वो इस बार यही देख रहे हैं कि 100 दिन का कार्यकाल क्या रखा गया है, 6 महीने का रोडमैप क्या रखा गया है। पर यहाँ पर जिस तरह से 25 योजनाओं से काम नहीं चलेगा, यहाँ 25 योजनाओं का क्रियान्वयन होना जरूरी है, 25 योजनाओं की समीक्षा होनी जरूरी है, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहा है और कितने लोग उससे। हर घर योजना और तमाम जैसी पेयजल योजना है सरकार द्वारा बनाई जाती है, पर उनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है उसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में इस समय मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा और मालूम करना होगा कि कहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर वहां पर अभी पानी नहीं आ रहा है या वहां पर भूजल का स्तर गिर चुका है, यहाँ पर पानी टंकी नहीं, तो निश्चित रूप से कोई वैकल्पिक व्यवस्था अलर्टपुर जैसे अन्य जिलों में करनी होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो 25 योजनाएं भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रही हैं और साथ ही साथ गंभीर मुद्दा ये बन गया है जहां लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।